पांच अब इतना बड़ा टाइम में डूबा जो रहे उधर है वो सब पता है ना मासा मासा भी करना दोनों के कामन हो है ना। इसी तरह आपसे पूछा जाए अघोष महाप्राण इस तरह कह दिया जाए अघोष महाप्राण वर्ण है यहाँ पे कामन क्या रहा दो आ गया और तीनों सा कामन आ रहा है क्योंकि सर में आपका हाथ भी है ना। तो अब आप सर में आते हैं इनमें सुबह होगा वही अघोष सर्प और अघोष वहाँ जो बड़ा आपको दिखाई देगा लासन ही नहीं करवानी माशा है ना यानी करना है माशा समझ गए प्रेयर करने वाले जो आते हैं अपना इसी तरह उसको हम कर सकते हैं बिना समय गवाए फिंगर पर रखेगा तो चला जाए फिंगर पर रखेंगे तो आपका दया आते भैंस खा देंगे ना निकाल देना बात समझ में आई महाप्राण वर्ग का दूसरा वर्ग का चौथा सर्व प्रत्याय उसमें हस प्रत्यय आदि से कहा गया हस सवार भूषण
उन्माद तो घट गया लेकिन अउच्चरित होता रहा, तो व्यंजन देर तक उच्चरित नहीं होता है ना। व्यंजन जो है अपना उसका एक नियत समय होता है, वो समझिए कहा रहता आदमी भाग में ही रह जाता है। हम उच्चारण किसका करते हैं, स्वर उतर जाते हैं, चाहे ऊंचा चाहे नीचा चाहे समय है ना। इस तरह के अगर मुझे सीधा सीधा होते हैं काम बदले जाएंगे, पेड़ तक तो करके आपको तमाशा भी काफी कर लीजिएगा, ये इसका सबसे आसान तरीका है। बाकी यहाँ कुछ और आसान नहीं है ना, कुछ है नहीं आसान, कुछ नहीं है। यहाँ कंपेयर कर लीजिए तो बस आपका उत्तर मिल जाएगा है ना। जैसे आप अभी तो होगा घोष महाकाल ना, घोष महाकाल किस तरह का बात हो जाए, तो घोष महाकाल में महाकाल कौन कौन से आते हैं, दो चार ये आ रहे हैं। अब घोष में क्या आ रहे हैं, चार हो गया पहले चार, बाकी यहाँ कुछ नहीं मिला केवल हा मिला है, यानी वर्ग का चौथा और यही क्या है घोष महा। तो वर्ग के चौथे वर्ग जहाँ मिले वो क्या कहलाएगा, घोष भी कहलाएगा वहाँ नाम भी कहलाएगा, अभी हमारा क्या है घोष भी है वहाँ समझ गया ना। तो कपेरा करके अगर पूछना है दोनों में कौन मिला हमें वो देखना है, बस नया दोनों में कौन सा बल मिला हमें उस पर ध्यान देना है, बाकी और कहीं नहीं कुछ नहीं करना है। ये समझ जाएगा, अरे इसके लिए एक क्लू है ना, इलाहाबाद में नहीं इलाहाबाद के सलोनी में है ना, बच्चों की टोली में घोष निष्ठान भंडार पर जाकर 345 रुपये की मिठाई खरीद उसका अल्पा गर्व हम स्वाद लिया, कहाँ कहाँ मचा कर चल दिए है ना। इलाहाबाद में कहावत चलती है सलोनी एक स्थान है ना, जहाँ बाढ़ सबसे पहले आता है, गंगा का जलस्तर बढ़ा सबसे पहले सलोनी डूबा है ना, चांदपुर सलोनी। तो सलोनी में एक मिष्ठान भंडार घोष मिष्ठान भंडार, लोगों का पता वही होता है घोष मिष्ठान भंडार पे आ जाइए वहाँ मिलता हूँ है ना। तो ये वहाँ एक स्लोगन बन गया पूरा पूरा घोष मान के लिए है ना। तो आप जानिए घोषगढ़ आपको 345 रुपये का तीसरा चौथा और है ना, नहीं समझ आया क्या बच्चों की टोली ने घोष मिष्ठान भंडार पर जाकर 345 रुपये की मिठाई खरीदी, अंतःकरण में स्वाद लिया, हाहाकार मचाकर चल दिया। अब देखिए घोष हमारा फिर कौन सा हस प्रत्यय बच्चों ना, हाँ हस प्रत्यय हमारा श्रद्धा का हमारा पांचवा सूत्र है हरिवर्ण, छठा है सातवा है आठवा का है नौवा का है सातवा का यही है ना। और दसवां क्या है अब देखो ई का है बल के पांचवा, ई पांचों का है बल के ई पांचों का है तीसरा, तीन चार पांच ये कितने हैं। और यही है देखा पांचवा सूत्र का है बहुत जरूरी बात, ये दिन रटाए रहे हैं बुलाई या दिना
हाँ अब का भोरी भोरी पूछा तुम हाँ अब ना पूछा हम लोगों ने बैठे खाली प्रैक्टिस किया है ना ये है आपका पूरा मास्टर है ना दोस्तों आपका चर्चा और ये क्लियर हो गया अब हमारा चर्चा का चर्चा होगा किस पर उच्चारण है ना अब हम पढ़ेंगे